सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की फ्रेंड्स बताने वाला हूँ इंडियन बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे। आज की फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ जो इलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक मर्चेंट हुआ वही बैंक का बैलेंस मैं आज चेक करके बताऊंगा। आप सिर्फ एक मिस कॉल मारकर इंडियन बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर यह ट्रिक यूज करना चाहते हैं इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इंडियन बैंक का बैलेंस एक मिस कॉल से कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, लेकिन प्रेस लेटेस्ट बड़ी का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए मैं इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब जल्दी से मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पे होगा। आपको यहाँ पे लिखना बैंक बैलेंस चेक लिखते आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपका स्क्रॉल करेगा। देखिए यहाँ पे आपको थर्ड में देखिए आपको यहाँ पे चेक बैलेंस बैंक अकाउंट बैलेंस इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। पहले से मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो ये देखिए ये एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग 10 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ आदमी ये एप्लीकेशन को अभी यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। चलिए यहाँ पर मैंने इंस्टॉल पहले से कर लिया। चलिए इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का बैंक बैलेंस चेक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास खुल के यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए मेड इन इंडिया का एप्लीकेशन ये यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर आएगा। एरर कटिंग करता हूँ, यहाँ पे पूरी बैंक का आपको लिस्ट आ जाएगी। अगर जो बैंक आप चेक करना चाहते हो वो बैंक यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंडियन बैंक चेक करना चाहता हूँ, ये इंडियन बैंक चेक करना चाहता हूँ, ये इलाहाबाद बैंक से मर्चेंट इंडियन बैंक होगा। इलाहाबाद बैंक के लिए सर्च करते हैं, इंडियन बैंक सर्च करिए, वो दोनों एक ही बैंक है। चलिए यहाँ पे इंडियन बैंक सर्च कर लेता हूँ। इंडियन बैंक मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। देखिए इंडियन बैंक आ गया। जैसे अगर कोई बैंक आप सर्च करना चाहते हैं, अगर HDFC बैंक में आप तो HDFC बैंक यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, आपके पास HDFC बैंक आ जाएगा। अगर आपको SBI तो SBI बैंक आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, आपके पास SBI बैंक आ जाएगा। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है या कोई सा बैंक है, आपके पास DBS बैंक तो DBS बैंक आपको सर्च कर लेगा, DBS बैंक आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं इंडियन बैंक का सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पर इंडियन बैंक में सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर इंडियन बैंक आ चुका है। देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक का इस तरह का आपके पास लोगो रहेगा। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ATM बैंक ब्रांच IFSC कोड बैंक आपको देखिए चेक बैलेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास 4 कट यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गए। चेक बैलेंस यहाँ पे गेट मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडे आपका बैंक अकाउंट कब ओपन रहता है कब क्लोज रहता है ये वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको कस्टमर केयर से बात करना है थर्ड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं बैंक बैलेंस चेक करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे चेक बैलेंस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को यहाँ पर कॉल लग जाएगी। आपको कुछ समय यहाँ पे देखिए इंडियन यहाँ पर थोड़ा वेटिंग करना है, कॉल ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। कट होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एरर या कटिंग कर देना। ये यहाँ देखिए कुछ नंबर्स यहाँ पे चल रहा है, ये सेकंड पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपका बैलेंस कितना अकाउंट में रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंस वहाँ पे खुल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं वेटिंग कर लेता हूँ, ये पूरा नंबर ख़त्म होने देता हूँ मैं। देखिए कुछ समय आपको 5 मिनट का आपको यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। ये सर्चिंग ले रहा है आपको यहाँ पे। मैं मैसेज एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। जहाँ पे बैलेंस चेक करें तो वहाँ पर भी आपका बैलेंस वहाँ पे चेक हो जाएगा नंबर खत्म होने के बाद। लेकिन वहाँ पे मेरे पास हो गया है। यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक आ गया। चलिए फर्स्ट में इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर मेरे पास नीचे में देखिए कितना ये मेरे पास 1102 रुपये मेरे अकाउंट में बचा, यानी कि 1102 रुपये मेरे अकाउंट में बचा हुआ है। मैंने 1102 रुपये मेरे अकाउंट में टोटल बचे, टोटल अमाउंट यहाँ पर मेरे अकाउंट में दिखला रहा है इंडियन बैंक आपको। तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस सेकंड में आपको देखिए आपके अकाउंट का 4 करेक्टर लास्ट का अकाउंट नंबर दिखा देगा। नीचे में इसका अमाउंट कितना रहेगा आपके अकाउंट में वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सिंपल से ट्रिक, आप सिंपल से एक मिस कॉल मारकर यहाँ पे इंडियन बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन के द्वारा। वहाँ पे ऑल बैंक का वहाँ पे किसी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, आपका कोई सा बैंक हो इंडिया का, कोई सा बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद हो, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मेरे में कोई कंफ्यूजन कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।